नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में। बहुत सारी पिक मैं लगातार शेयर करता जा रहा हूँ। डे 21 से पहले मैंने बहुत सारी पिक इंपॉर्टेंट शेयर की हैं जो कि बहुत जरूरी है। उससे पहले आप ये अलग ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विस, फ्री में सारी चीज़ें जो पिक मिल रही हैं। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वाली जो पिक है वो लास्ट के लिए बचा के रखी है, तो फिर से शेयर की, एक बार जाते आते जरूर इसको देख लीजिएगा। टाइगर रिजर्व यूपी में 3 है, दुधवा है, पीलीभीत है और अमनगढ़ जो है आपका बफर है कॉर्बेट का, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो टाइगर की पॉपुलेशन यूपी में कितनी है इस समय, वो है 173 और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, एमपी में, ठीक है। फिर एलिफेंट की बात करेंगे तो एलिफेंट एक रिजर्व है यहाँ पे, और यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एलिफेंट की टोटल पॉपुलेशन जो है 232 है यूपी में और सबसे ज़्यादा एलिफेंट यानी हाथी पाए जाते हैं कर्नाटक में, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे एलिफेंट रिजर्व, ये यहाँ पे यूपी वाला ये लिखा हुआ है ये, ठीक है। टोटल इसका एरिया इतना है, सब जो वेटलैंड है रामसर के वो एक साइट है यूपी में, उसका नाम क्या है, अपर गंगा रिवर, ब्रिज घाट से लेकर नरोरा तक है यूपी में, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है यूपी में, 3 है, फतेहपुर सीकरी है, आगरा फोर्ट है और ताजमहल है, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक आपका नेशनल पार्क है यूपी में, ठीक। और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे रहा हूँ, जैसे आपको यूपी में लेपर्ड यानी कि तेंदुए ये कितने थे आपके, 100 गया ये, यूपी में जो है लेपर्ड यानी कि तेंदुए मैं बता रहा था, तो वो तेंदुए इस समय कितने हैं यूपी में, 194 हैं। सबसे ज़्यादा तेंदुए कहाँ पे हैं, असम में। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। ये दूसरी पिक जो है एनर्जी से रिलेटेड है, देखिए बायो पावर में जो है आपका महाराष्ट्र नंबर 1 पे है और इसमें यूपी नंबर 2 पे है, याद रखिएगा, ठीक है। स्मॉल हाइड्रो पावर में कर्नाटक नंबर 1 पे है और इसमें जो है आपका हिमाचल प्रदेश नंबर 2 पे है, ठीक है। इसके बाद सोलर पावर में कर्नाटक नंबर 1 पे है, विंड पावर में तमिलनाडु नंबर 1 पे है और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में टोटल मिला के कर्नाटक नंबर 1 पे है, ठीक है। ये टोटल और एनर्जी के बारे में लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे टोटल एनर्जी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में नंबर 1 पे महाराष्ट्र और हमारा यूपी नंबर 4 पे है, ठीक है, सॉरी नहीं 1 2 3 4 5, हमारा नंबर यूपी 5 पे है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में अगर आप देखेंगे कर्नाटक, मैंने आपको बताया अभी, न्यूक्लियर एनर्जी में जो है नंबर 1 पे तमिलनाडु है और हमारा जो है यूपी 5 नंबर पे है, ठीक है। कोल में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है और आपका यूपी जो है 3 नंबर पे है। हाइड्रो पावर में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे है और फिर उसके बाद कोल में महाराष्ट्र नंबर 1 पे, नंबर 3 पे यूपी है। गैस में नंबर 1 पे गुजरात है, जी से गैस, जी से गुजरात, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। और यूपी जो है आपका 5वें नंबर पे है। थर्मल में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है और यूपी 3rd नंबर पे है। थर्मल में ये सब आ जाता है, कोल गैस ये सारी चीज़ें, ठीक है, कोल गैस और आपका जो ये कोल और गैस मतलब और डीजल, ठीक है, ये सब चीज़ें कोल गैस डीजल ये तीनों आ गई आपकी थर्मल में। डीजल में नंबर 1 पे है आपका तमिलनाडु है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब देखिए ये यूपी के बारे में है सिर्फ, यूपी में क्या क्या चीज़ में नंबर 1 है, किसके किसके में क्या नंबर है। जैसे अमरूद के प्रोडक्शन में यूपी नंबर 1 पे है, ठीक है, जैसे आप इसमें देखेंगे तो अमरूद के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है यूपी, ठीक है। आम के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, खरबूजे में नंबर 1 पे है, तरबूजे में नंबर 1 पे है, मटर में नंबर 1 पे है, आलू में नंबर 1 पे है, गेहूं में नंबर 1 पे है। प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, टोटल फूड ब्रांड में नंबर 1 पे है, मशरूम में, आंवले में नंबर 1 पे है, गन्ना चीनी और जो है वेजिटेबल यानी सब्जियाँ, हॉर्टिकल्चर में नंबर, हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो है आपको पढ़नी ज़रूरी है ये यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल हॉर्टिकल्चर जो है प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे यूपी है, ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पे यूपी, नंबर 2 पे वेस्ट बंगाल है। गन्ने के प्रोडक्शन के एरिया वाइज में भी नंबर 1 पे यूपी है। लौकी में फिर आपका नंबर 2 पे है। फ्रूट के प्रोडक्शन में यूपी नंबर 3 पे है। केले में नंबर 5 पे है। फूल के प्रोडक्शन में 8 पे नंबर पे है और मसाले में आपका 10 नंबर पे है। चावल में 3 नंबर पे है, ठीक। तो ये कुछ कुछ हैं आपके यहाँ पे। ये एक और पिक है इंपॉर्टेंट, इसमें बस इतना समझने की बात है कि यूपी की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी ये कब आई है, 2019 में आई है और इसका टारगेट क्या है कि एक्सपोर्ट जो एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सपोर्ट होती है उनको डबल करना है 2024 तक। बस यही चीज़ पूछी जा सकती है डायरेक्टली एग्जाम में। 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आने वाले हैं इंडिया में, वैसे यूपी में 6 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, याद रखिएगा, और यूपी में एक डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने वाला है, 6 जगह से पास होगा, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, लखनऊ, झांसी, कानपुर से, दूसरा तमिलनाडु में आएगा। ये मोदी जी को अभी तक जो टोटल पिछले कुछ दिनों में जो पुरस्कार हुए हैं, इतने सारे पुरस्कार मिले हैं कि उसका एक चार्ट ही बनाना पड़ गया है और ये आपको याद रखना जरूरी है। जैसे कि आमिर अमानुल्ला खान अफगानिस्तान का है ये, ठीक है। किंग अब्दुल अजीज शेष पुरस्कार ये सऊदी अरब का है। निशान
इजुद्दीन ये है मालदीव का, सियोल शांति ये मोदी जी ये पहले ये पाने वाले पहले भारतीय बने हैं, फिलिप कोटर ये नई दिल्ली में मिला था, चैम्पियंस ऑफ द अर्थ ये यूएन का जो है सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल वाला प्राइज है, सेंट एंड्रयू पुरस्कार ये रशिया का है, ये ज़्यादातर मतलब सर्वोच्च नागरिक के सम्मान मिले हैं, ऑर्डर ऑफ जैद ये है यूएई का सर्वोच्च नागरिक का, द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा ये बहरीन का है, फिर ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड 2019 ये न्यूयॉर्क में दिया गया था बिल और मिलिंदा गेट फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है इंपॉर्टेंट है ये देखिए ये क्या है इंटरनेशनल गांधी प्राइज पीस प्राइज है ये विनर्स है 2018 के मिला है योहे शाशाकावा का जापान को, जापान के हैं जो 2017 का एकल अभियान ट्रस्ट ठीक है, और 2016 का आपका अक्षय इंटरनेशनल सॉरी सुलभ इंटरनेशनल को मिला है अक्षय पात्र के साथ, ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो है ये किसको किसको मिला है एक बार देख लीजिए लास्ट में ये पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2019 वाला जो है आपका ये मिला है। एक तो मेन ये है जो ग्रेटा थनबर्ग ये स्वीडन में काफ़ी छाई हुई है 16 साल की एक लड़की है, प्लस ये गुओ जियानमाई ये चाइना के, प्लस अमीना टाओ हैदर हैं ये वेस्टर्न सहारा के, और एक और हैं ब्राज़ील से रिलेटेड है हुतुकारा यानो मानी एसोसिएशन ठीक है, ये 2019 के गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज के विनर हैं। कौन कौन से एक बार नाम देख लीजिए बस, लिंडा ग्रेसिया है यूएसए, अल्बर्टो कुरामिल चिली की, जैकलिन इवांस है कुक आइलैंड की, एना कोलोविक जो है आपकी नॉर्थ मैसेडोनिया की हैं, बयार जर्गल ये है आपका ये मंगोलिया के, और अल्फ्रेड ब्राउनल ये लिबेरिया के ठीक है। ये अभी देखिए इंडिया में अब 7 नेशनल पार्टी हो चुकी हैं, 7वीं नेशनल पार्टी का दर्जा किसको मिला है, नेशनल पीपल्स पार्टी जिसके फाउंडर थे संगमा के संगमा ठीक है, और इनका जो है सिंबल क्या है बुक है किताब, टोटल 7 नेशनल पार्टी सॉरी 8 हो गई हैं सॉरी 8 हो गई हैं 8वीं नेशनल पार्टी बनी है ये सॉरी तो 8 नेशनल पार्टी अब हो गई टोटल इंडिया में, याद रखिएगा कौन कौन सी हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, NCP और तृणमूल कांग्रेस के बाद NPP इनको मिला है नेशनल पार्टी का दर्जा। ये कुछ जो है ये जैसे आप देख सकते हैं जैसे GPS है ये US का है, ग्लोनास रशिया का है, IRNSS जो है इंडिया का है, बाइडू चाइना का है, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है, क्वासी जैनिति है जापान का। ये कुछ होता है ये पूछते हैं कि आइसोबार जो है ये किसको किसको कौन सी लाइन को कनेक्ट करते हैं, प्रेशर से रिलेटेड आइसोबार है, थर्मल टेम्परेचर से रिलेटेड आइसोथर्म है, आइसो हाइट जो है ये आपका ये इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल से रिलेटेड है मतलब बारिश जो है वो जहाँ पे होती है उसको जोड़ने वाली लाइनों को कहते हैं, आइसो हेल्थ क्या है सेम मीन जो है डेली ड्यूरेशन कितनी होती है सनशाइन की वो है, आइसो नेप्स क्या है आपके कितना जो है क्लाउड कवर उससे रिलेटेड है, हेलाइन मतलब हो गया सेलिनिटी और ह्यूम मतलब हो गया आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी ठीक है। ये कुछ लाइन्स है जो इंपॉर्टेंट है, रेड क्लिप लाइन जैसे कि आपकी इंडिया पाकिस्तान, मैकमोहन लाइन जो है इंडिया चाइना, डूरंड लाइन आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, मैगिनोट है फ्रांस जर्मनी, और 38 पैरेलल है नॉर्थ साउथ कोरिया, 17 पैरेलल है नॉर्थ साउथ वियतनाम, 49 पैरेलल है USA कनाडा ठीक है। ये वाला मैं बता चुका हूँ, ये जो है मौका याद रखिएगा, मौका पास होती है IST से, और जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी मैं बता चुका हूँ, 8 स्टेट हैं राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर ये देखिए सरस्वती सम्मान 2018 का जो था वो 28वां था, वो किसको मिला है डॉक्टर के शिवा को ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। किस चीज़ के लिए मिला है, पक्का की ओती गिलिते जो है इनका कविता संग्रह था इसके लिए ठीक है। फिर ये व्यास सम्मान जो है इस बार आपको मिला है 2019 का मिला है नसीरा शर्मा को जो कि कागज़ की नाव के लिए मिला है, और 2018 का मिला है लीलाधर जागुड़ी को जितने लोग उतने प्रेम के लिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं लास्ट बता रहा हूँ, ये एक बार जाते टाइम देख जरूर लीजिएगा। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 2017 में 53वां मिला था कृष्णा शोभती का हिंदी के हैं वो, 54वां मिला था अमिताभ घोष का जो है इंग्लिश के लिए, और 55वां मिला है किसको अकीतम अच्युतन नंबूथिरी मलयालम के हैं। ये तीनों याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ लेते हैं 2018 का भी पूछ सकते हैं आपसे, तो 2018 में अमिताभ घोष थे, फिर अकीतम जो है अच्युतम नंबूथिरी ये जो है 2019 के लिए है 55 थे ये ठीक है, और ये मलयालम के हैं। ये IPL में आप देख सकते हैं इस बार IPL में 12वां एडिशन था ठीक है, और इसमें जो है इस बार जीती है मुंबई इंडियंस, चौथी टाइम जीती है ये, 8 टीमें थी, 60 मैच हुए, और ये जो है आपका प्लेयर ऑफ द सीरीज़ एंड्रयू रसल को मिला है कोलकाता नाइट राइडर्स के,
ऑरेंज कैप मिलती है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि बल्ले में जो ऑरेंज मारेगा उसको जो है ऑरेंज कैप मिलेगी। संतरे को बल्ले से मारना है तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को पर्पल कैप मिलती है, ये इमरान ताहिर को मिली है, और डेविड वार्नर को ऑरेंज कैप। ठीक है, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अच्छा, एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे क्वेश्चन तो पक्का है मुझे लगता है, क्योंकि अब ये सुपर कंप्यूटर में अगर आप देखेंगे नंबर वन पे चाइना का जो है प्लेस हट गया है, अब आ गया है समिट करके। समिट जो है यूएस का है कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, जो कि पूरी दुनिया में नंबर वन पे हो गया है। अब अभी तक जो चाइना का था ये, ठीक है, चाइना का क्या था, सनवे तहवाद, अब इसको जो है तहलाइट करके था, अब ये समिट ने इसको पछाड़ दिया है। तो समिट है यूएसए का, इसको रट लीजिएगा, बिल्कुल आएगा, जरूरी है। और दूसरे नंबर पे सियरा, ये भी यूएसए का है। हमारा इंडिया का जो है 53rd नंबर पे है, और इंडिया का जो सबसे फास्ट कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है प्रत्युष, वो वर्ल्ड में उसकी रैंकिंग है 53। ठीक है, तो ये कुछ थे आपके लिए, और ये बाकी देखते रहिए आप, बाकी लगातार चैनल में देखते रहिए, लगातार आपको मैं अभी भी पिक शेयर कर रहा हूँ, लगातार हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ और है, यूपी जी के पापा तैयार कर रहा हूँ, शायद कल मिल जाएगा फाइनली। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।